मधुबनी से कि एक बार हम भागलपुर आए भी तो यहाँ पर लॉकडाउन उस दिन लगवे किया था। लोगों बोले भाई देखिए अभी परहेज रहिए, घर में रहिए, यार बचिएगा तो कमा कर के तो खाना है ही है। तो घर गए लॉकडाउन में सर, हम लोग नहीं कुछ दुकानदारी भी कर सके और समाज का जो है कुछ सहायता मिला, अगर कर्जा उर्जा लेके बाल बच्चे के लिए बाहर की। कलाकार वह होते हैं जो खुद दुखी रहकर दूसरों को मनोरंजन कराते हैं, परंतु कब तक? इस कोरोना ने कितने कलाकारों को हम लोगों के बीच से जुदा कर दिया। इसमें कुछ कलाकार अगर बच गए हैं तो वह भी काफ़ी दयनीय स्थिति में आ चुके हैं। वैश्विक महामारी कोरोना ने अच्छे अच्छे लोगों की आर्थिक और मानसिक स्थिति को हिलाकर रख दिया, चाहे वह फुटपाथ विक्रेता हो, प्राइवेट शिक्षक हो, वकील हो, व्यापारी हो, चाहे वह कलाकार हो। इस वैश्विक महामारी ने सबों की आर्थिक कमर को तोड़ कर रख दिया। कलाकार छोटे हो या बड़े, सबों की स्थिति दयनीय हो गई है। इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज वह भी चरमरा सी गई है। इस वैश्विक महामारी ने सबों को घरों में कैद कर दिया। सरकार कलाकारों को ना तो कोई राशि मुहैया करा पाई, ना ही कलाकार को कोई और सहयोग मिल पाया। लगभग 18 महीने बाद कोरोना का लहर कुछ कम होते ही आज एक कलाकार चौक चौराहे पर घूमते फिरते बांसुरी बजाते दिखा। उनके हाथ में बांसुरी का गुच्छा था, परंतु उनकी आंखें नम थी और उनका चेहरा बहुत कुछ बयां कर रहा था। उनसे पूछे जाने पर वह कलाकार अपनी दर्द बयां कुछ इस प्रकार करते दिखा। उनका कहना हुआ, हम लोग लगभग 18 महीने से घर पर कैद हैं। इस कोरोना काल ने हम लोगों को काफ़ी क्षति पहुंचाई। हम लोगों का व्यवसाय कलाकारी है। मैं बांसुरी बजाता हूं और बांसुरी बनाकर बिक्री करता हूं, जिससे मैं अपने और अपने परिवार का जीवन यापन करता हूं। मेरा पुश्तैनी पैसा बांसुरी बजाना और बांसुरी बनाकर बेचना ही है। अब 18 महीने से मेरा व्यवसाय जो बंद पड़ा हुआ है, कैसे मैं अपने परिवार का गुजर बसर करूँ, यह बहुत बड़ा विषय है। आज के समय में बच्चे चाइनीज़ खिलौनों से ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन बांसुरी नहीं खरीदना चाहते। बोलते बोलते उस कलाकार की आंखें भर आई और वह रोने लगा। फिर उसने कहा, परिवार चलाने के लिए मुझे इस वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ते हुए आज घर से सड़क पर निकलना पड़ा, लेकिन सरकार से गुहार लगाऊं तो लगाऊं कैसे। उनकी आंखों में इस कोरोना के दंश का दर्द झलक रहा था। वह बोलते बोलते फकक फकक कर रो पड़ा था। यह कहानी एक बांसुरी बजाने वाले उस कलाकार की है जिसका नाम दाऊद शाह, जो चतरा पंचायत जिला अररिया का रहने वाला है। यह लगभग 55 साल से इसी बांसुरी की कमाई खाते थे, लेकिन यह 18 महीने उनके लिए और उनके परिवार के लिए काफ़ी कष्टकारी रहा। उनका व्यवसाय बांसुरी बजाना और बांसुरी बनाकर बेचना बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या सूद लेती है। अभी तो एक दाऊद शाह सड़क पर नजर आए हैं, न जाने कितने ऐसे दाऊद सर कोरोना की कहर को झेल रहे होंगे। नहीं से कि एक बार हम भागलपुर आए भी तो यहाँ पर लॉकडाउन उस दिन लगवे किया था। लोगों बोले भाई देखिए अभी परहेज रहिए, घर में रहिए, यार बचिएगा तो कमा कर के तो खाना है ही है। तो घर गए लॉकडाउन में सर, हम लोग नहीं कुछ दुकानदारी भी कर सके और समाज का जो है कुछ सहायता मिला, अगर कर्जा उर्जा लेके बाल बच्चे के लिए बाहर की। अब लॉकडाउन टूटा है तो निकले हैं, तो ऊपर वालों पर भरोसा है, दो वक्त की रोटी तो ऊपर वाला जरूर रखी देगा। और अगर कोई हमदर्द ऐसे आदमी मिल जाते हैं तो बांसुरी भी सुन लेते हैं, बांसुरी अगर देते हैं तो 100-200-400 रुपया तो खैर उन लोग के लिए आम बात है। और सर देखिए, कलाकार का आज तक कोई हिसाब लगा नहीं सका और ना उसकी कोई कीमत लगा सका, इसकी तो अनमोल बात है, हैं। तो इसलिए कर करके आप लोग के ऐसे आदमी अगर कभी बैठते हैं तो हम लोग को भी सुकून मिलता है। देखिए, कलाकार और कदरदान, ये दोनों का संबंध। अगर जो कलाकार अगर कोई चीज़ अगर बजा रहे हैं, अगर गा रहे हैं और जो कलाकार का अगर स्वागत कर रहे हैं और वो सुन रहे हैं, तो कलाकार से उसका भी सम्मान कम नहीं, क्योंकि वो उनका ये देख करके कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा बजा रहे हैं। इसलिए करके दोनों का मिलती जुलती है, दोनों का ऐसे नहीं। तो लीजिए जरा सा हल्का हल्काओ, आपको हीरो फिल्म का हमारे छोटे बाबू साहब बोल रहे हैं कि जरा सा बजा दीजिए, बजा दीजिए। हाँ, हीरो के साथ साथ
आपको गाने का बोल लेकर के हम आ रहे हैं एक दूजे फिल्म से, बहुत अच्छी है ये गाना है सुब्रमण्यम का, और देखिए कितना अच्छा गाना है। सिविक आप ट्यूनिंग सुनिएगा, मैजिक जो है ना हीरो का और गाना जो है आपके दूजे का। जो है और उम्र के तकाजे के साथ, उम्र भी तो हो गया सर कम से कम जो है 52-55 की उम्र है, 80 कितने वर्षों से ये व्यापार कर रहे हैं? ये जो है ये हम 30 साल से सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद दाऊद शाह हुआ, हम लोग शाह बिरादरी में आते हैं। सरकार से कभी गुहार नहीं लगाए आप कि इसका एक अच्छा सा व्यवसाय शुरू किया जाए? अभी तक तो कोई सर मिले नहीं हमको, छोटे में से बड़े में से कोई ऐसे स्टाफ ऐसा नहीं मिले सरकार के कि जो हमारी यहाँ से पहुँच सरकार तक पहुँचा सके जी। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।